हेलो एवरी वन वेलकम टू एफ जी लॉकेट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉपी फर्दर सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ऑफ द ब्रो की एंड डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमल क्रिएटिविटी की राइट तो हम बेसिकली जो बात कर रहे थे वो हम ये बात कर रहे थे कि टेस्ट ऑफ ऑरिजनैलिटी क्या है आप किसी काम में ऑरिजिनालिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हो राइट right? तो कुछ जगह जो नोशंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन स्वेट ऑफ द ब्रो एंड कुछ जगह मिनिमल क्रिएटिविटी राइट हमने उससे रिलेटेड केस लॉज भी डिस्कस किए थे सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कि क्या कापी राइट कॉन्सेप्ट नोट्स पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे अब जैसे जो टी वी इंडस्ट्री है जो न्यूज़ चैनल्स हैं मूवीज बनती हैं वो डायरेक्टली तो पब्लिश नहीं होते लाइक like जो दे वांट टू से वो वो स्टोरीज एग्जैक्टली exactly तो वो नहीं बोल देते स्क्रीन पे ना राइट उससे पहले उनके नोट्स बनते हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट्स बनते हैं आइडियाज़ बनते हैं दैट हाउ विल यू ब्रॉडकास्ट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम सपोज़ कौन बनेगा करोड़पति जो है वो टेलीकास्ट होना है तो पहले उसका एक मैप बनता है एक मैपिंग होती है कि हम इस तरह के फीचर्स लाएंगे हम इस तरह के ऑडियंस को टारगेट करेंगे वी विल कीप दिस काइंड लाइन सो ऑल ऑफ इट इज़ कंटेंड इन अ कॉन्सेप्ट नोट अब जरूरी तो नहीं है कि जिस पर्सन का चैनल हो या जो पर्सन हेड हो जो संभाल रहा हो वही राइटर भी हो सो यूजअली दिस चैनल हायर राइटर एंड जो उनका राइटर होता है कॉपी राइट यूजअली उन्हीं के नाम में सब्सिस्ट करता है बट अगर ऐसा सीनेरियो हो जाए कि सपोज एक राइटर ने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए चैनल ने कॉन्सेप्ट नोट्स तो ले लिए बट उसे रिप्लाई नहीं किया कि वेदर दे आर गुड और बैड और कुछ महीने बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट नोट्स पे किसी और राइटर को रख के एक प्रोग्राम बना लिया बट द फर्स्ट राइटर वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्रेडिट्स तो क्या इन सिचुएशंस में द फर्स्ट राइटर जिसने एक्चुअली कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए थे और सबमिट किए थे चैनल के पास कैन दैट राइटर क्लेम अ कापी राइट ओवर दोज कॉन्सेप्ट नोट्स और नॉट तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम डील करेंगे एक केस से विच इज़ उर्मी जुवेकर वर्सेस ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज़ लिमिटेड द केस ऑफ 2008 इस केस में ये होता है कि उर्मी जुवेकर जो है वो एक डॉक्टर और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है एंड वो एक टीवी प्रोग्राम का जो आइडिया है वो एक कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखती है एंड उसको प्रेजेंट करती है टू द चैनल अब जो वो कॉन्सेप्ट नोट्स होता है वो एक ब्रीफ होता है कि प्रोग्राम क्या होगा बेसिकली इट वाज अ सोशल प्रोग्राम जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहा था उनकी डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस में लाकर, कर राइट right? अब जब ये कॉन्सेप्ट नोट उर्मी जुबेकर ने चैनल के पास सबमिट किया तो चैनल ने कॉन्सेप्ट नोट्स को अपने पास रख लिया और उनको ये बोला उर्मी जुबेकर को कि वी आर थिंकिंग अपॉन इट मतलब द वर्क इज़ इन प्रोसेस वी विल लेट यू नो राइट तो अब क्या होता है वो अपना ये कॉन्सेप्ट नोट रजिस्टर करवा देती है फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में भी उसके बाद वो डिफेंडेंट्स के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट नोट एंड आई वॉन्ट कि हम मिलकर इस पर एक टी वी प्रोग्राम बनाएं लाइक माई कॉन्सेप्ट नोट्स एंड योर चैनल वी विल मेक इट अ टी वी प्रोग्राम तो डिफेंडेंट्स क्या होते हैं वो उनका जो वर्क नोट है जो कॉन्सेप्ट नोट है वो अपने पास रख देते हैं लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट नोट के बेसिस पे वो अपना एक अलग शो बनाते हैं जिसको दे कॉल समर शो डाउन राइट और उसको वो टेलीकास्ट करना शुरू कर देते हैं अब इसमें स्टोरी तो प्लेटिव की थी बट प्लेंटिव को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता सो so, अब प्लेंटिव जो है वो सूट फाइल करती है अबा ऑफ इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट चैनल वो कहती है कि फर्स्ट दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ़ कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है मेरे कॉन्सेप्ट नोट की सेकेंडली दैट आपने मुझे बोला दैट दिस कॉन्सेप्ट नोट इज़ अ प्रोग्रेसिंग वर्क राइट दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस वी विल टेल यू अबाउट इट एंड इन द मीन टाइम यू पब्लिश दैट ऑन योर चैनल सो दे ऑन दीज टू रीजन्स द प्लेटिव क्लेम्ड कॉपी राइट राइट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब उर्मी जुवेकार ने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स चैनल को दे दिए तो क्या वो इस पर कॉपी क्लेम कर सकती है बींग इट अ लिट्रेरी वर्क और प्रोटेक्शन एंजॉय कर सकती है सो द कोर्ट ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जी टेलीफिल्म वर्सेज सन डायल कॉम्युनिकेशन उस जजमेंट को रिलाय करके कोर्ट ये सेट करता है दैट जो फिल्म राइटर है जो फिल्म मेकर है जो स्टोरी राइटर है और जो फिल्म मेकर है उनके बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी होती ही होती है राइट right? आप बिना उनको क्रेडिट दिए उनकी स्टोरी को पब्लिश नहीं कर सकते या किसी और को नहीं शो कर सकते इवन दो अगर आपके बीच में कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो बाय द यूसेज बाय द यूसेज ऑफ़ द बिजनेस द ट्रेड इट इज़ अ सेटल्ड नॉर्म दैट देयर एग्जिस्ट अ कॉन्फिडेंशियलिटी राइट अब नेक्स्ट केस में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कोर्ट है वो एक और केस पे रिलाई करती है विच इज़ आर जी आनंद वर्सेज डीलक्स फिल्म इसको भी हम अभी स्टडी करेंगे बट इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन होता है उसको सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी अप्लाई करती है एंड ये बोला जाता है कि जो प्लेनटिव का कंसेप्ट नोट था और जो डिफेंडेंट की स्टोरी थी देवर को रिलेटेड बिकॉज डिफेंडेंट का स्ट्रक्चर ऑफ वर्क फॉर एक्सप्रेशन प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली exactly वही था जो कि एग्जैक्टली exactly तो हम नहीं वर्ड बोल सकते मटीरियली ऑन द सर्फेस वही था जो प्लेंटिफ ने अपने कॉन्सेप्ट नोट में लिखा था देयरफॉर फोर इट इज़ एन एन्फ्रेंचमेंट ऑफ हर कॉपी एंड देयर फोर शी कैन सीक शी वॉज राइट वाइल सीकिंग एन इंजंक्शन टू स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम बींग टेलीकास्टेड ओके Now let's move to आर Anand आनंद Deluxe डीलक्स This is a good and important case केस uh, related to subject matter of copyright. So what happens in this case is की जो प्लेटिव है आर जी आनंद वो एक प्ले डायरेक्ट करते हैं और वो प्ले जो है वो ऑन द स्टेज इट कम्स इन टू एक्शन तो वो प्ले जो होता है उसी की स्टोरी लाइन पे जो डिफेंडेंट कंपनी है वो एक मूवी बना देती है राइट सो एक जगह सेम आइडिया है एक का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले स्टेज प्ले एंड दूसरी साइड डिफेंडेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी राइट जो प्लेन का प्ले का नाम होता है वो होता है हम हिंदुस्तानी विच बिकेम वेरी पॉपुलर और उसी पे जो डिफेंडेंट मूवी बना देता है वो मूवी का नाम होता है न्यू डेली हाउ एवर डिफेंडेंट प्लेंटिव को

प्ले का स्टोरी लाइन यूज कर रहे हैं एंड उस पर इन्होंने मूवी बना दी है राइट right? तो इस केस में ये केस जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जाता है तो दोनों ही जगह प्लेन के अगेंस्ट रूलिंग होती है अब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ये आता है दैट प्ले जो है इट इज़ अ ड्रामेटिक वर्क अंडर सेक्शन टू एच और एक मूवी बन गई है उसके प्ले के बेसिस पे विच इज़ एन अडाप्टेशन तो क्या इस केस में जो अडाप्टेशन है विल दैट बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी राइट अंडर सेक्शन फिफ्टी वन और नॉट क्या कॉपी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या नहीं हो रहा है राइट right? अब क्या होता है कोर्ट दोनों को कंपेयर करता है प्ले को और मूवी को ठीक है जो जो प्ले में स्टोरी uh, लाइन होती है मूवी की स्टोरी लाइन भी सिमिलर है बट वॉट हैपन्स इज द मूवी हैड बीन मॉडिफाइड to show it as an adapted version, right? अब जब हम कभी कभी मूवीज देखते हैं for example हमने two states देखी है चेतन भगत की लिखी हुई novel है तो चेतन भगत से उसके लिए consent लिया गया अगर consent नहीं लिया गया होता क्या तब मूवी बनाई जा सकती थी बिल्कुल बनाई जा सकती है but दो conditions में first you have to give the due credits to author कि इनकी storyline पे based है second you have to show सम अडेप्टशंस कि आपने उसमें क्या क्रिएटिव एड किया है सो दैट इट 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 कैन सबसिस्ट अंडर अ कापी राइट राइट तो अब इस मूवी में और इस प्ले में डिफरेंसेस थे जो कि डिमार्केट कर पाई सुप्रीम कोर्ट इवन दो प्लॉट सिमिलर था बट दोनों में बहुत डिफरेंस था रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस था मूवीज में बार बार सॉन्ग्स आ रहे थे एंड देर अ लॉट ऑफ डिफरेंस ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि कॉपीराइट आइडिया पर नहीं होता प्लॉट और मूवी uh, का प्लॉट और प्ले का प्लॉट सिमिलर हो सकते हैं बट उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है उनका शो करने का तरीका डिफरेंट है क्रिएटिविटी एस्पेक्ट डिफरेंट है राइट सो आइडिया जो है उसको हम कॉपीराइट नहीं करते हम सब्जेक्ट मैटर को कॉपीराइट करते हैं हाँ अगर प्ले के बेसिस पे प्ले बना होता

फेयर यूज़ पे अभी हम सुपर कैसेट्स की बात करेंगे सुपर कैसेट्स इज ऑल्सो अ केस ओके अब अब अगर सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत सिमिलैरिटीज हैं कि देखकर ही पता चल रहा है कि ये तो एग्जैक्ट कॉपी है देन उस केस में कॉपीराइट सब्सिस्ट करेगा बट अगर डिफरेंसेस हैं रिप्रेजेंटेशनल डिफरेंसेस हैं उस केस में कॉपीराइट जो है वो प्लेटिव क्लेम नहीं कर सकता राइट right? सो so अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अपहेल्ड किया था और ये कहा था दैट देर इज़ नो इन्फ्रेंचमेंट बिकॉज इट कवर्ड अप अनादर स्टोरी एज वेल उस केस में सिर्फ एक सिंपल दो फैमिलीज थी दो जो प्ले था उसमें दो फैमिलीज थी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों के बच्चों में लव अफेयर हुआ दे वॉन्टेड टू गेट मैरिड बट देयर फैमिलीज वर नॉट रेडी सो दे ट्राई टू रन अवे एंड कमिट्स यू साइड बट इवेंचुअली दे वर स्टॉप्ड बाईस अ थर्ड पर्सन हु गॉट द मैरिड and later on they lived as a happy family so this was the plot of the play whereas representation of the play was also based on it whereas in the movie there was a whole big plot that the, the two guys and uh, the, the two people guy and girl they meet at a railway station and uh, the guy does not know how to uh, communicate in their language so he pretends that he is a south indian person because the girl was also a south indian सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर सम ब्रॉड सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज आई वुड से देरवर ब्रॉड डिसिमिलैरिटीज विच कुड इवेंचुअली लीड अ व्यूअर टू से दैट दे बोथ आर डिफरेंट लाइक देअर इज अ मटीरियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम सो उस केस में इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अपेल्ट किया था एंड ये कहा था कि प्लेनटिव इज़ नॉट एंटाइटल टू सीक इन जंक्शन ओके अब हम बात करते हैं फेयर यूज़ की एक्सेप्शन की फ़िफ्टी टू सेक्शन में फेयर यूज़ का एक्सेप्शन दिया हुआ है जिसमें फेयर डीलिंग का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड होता है कि क्या आपने कौन से ऐसे आर्टिकल से कौन से ऐसे कॉपीराइटेड वर्क से किस एक्सटेंट पे आपने मटेरियल लिया है किस पर्पस के लिए मटेरियल लिया है ठीक है सपोज़ अगर मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है और मैंने जे एन पांडे की बुक को रेफर किया और उसका एक आर्टिकल रिप्रोड्यूस किया या अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा सा चेंज किया तो क्या जे एन पांडे मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देंगे दैट आई हैव इंफ्लुस्ड हिज कॉपी राइट द आंसर इज़ नो बिकॉज आई एम यूजिंग अ ट्रस्टेड सोर्स टू राइट एंड एनहांस द स्किल ऑफ माई रिसर्च पेपर इन्हांस द क्वालिटी ऑफ माई रिसर्च पेपर सो दैट वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर यूज़ अगर मैं किसी चीज़ का क्रिटिसिजम कर रही हूँ सपोज आई एम क्रिटिसाइजिंग अ बुक रिटन बाई एन एक्स राइटर दैन ऑल्सो इन दैट केस आई विल भी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन फिफ्टी टू और अब हमारे पास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं राइट जैसे वाजी राम रवि है जैसे राहुल जी ए एस है वी ऑल मस्ट भी अवेयर अबाउट इट या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैंसेट्रा एक्सेट्रा अब वो करंट अफेयर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर्स तो सबके लिए सेम है ना तो उस केस में क्या एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट पे क्लेम करेगा कि यू हैव इन्फ्रेंज माई कॉपी राइट ऑफ पब्लिशिंग करंट अफेयर्स द आंसर इज नो बिकॉज इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अंडर फेयर यूज बिकॉज एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट या लेट्स एवरी वेबसाइट एवरी न्यूज चैनल दे आर देयर टू ओनली सर्कुलेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सो उस केस में फेयर डीलिंग का जो एक्सेप्शन है इट प्रोटेक्ट्स दैम ओके नाउ वी आर गोइंग टू रीड द केस ऑफ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज हामर टेलीविजन नेटवर्क इट इज़ अ केस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन एंड इन दिस केस द्लेंटिव कैरिड अ बिजनेस अंडर द ब्रांड टी सीरीज एंड क्लेम्ड इनफ्रिंजमेंट बाई द डिफेंडेंट अब डिफेंडेंट कर क्या करता है कि जो टी सीरीज़ है उसके कुछ शोज़ के कॉपीराइट पोर्शन का जो क्लिप है जो क्लिप है उसको वो टेलीकास्ट कर देता है अपने चैनल से राइट सब पूरा नहीं सपोज एक प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा पार्ट अपने चैनल पे पब्लिश कर देता है राइट तो क्या अब इस केस में डिफेंडेंट फेयर डीलिंग का एक्सेप्शन ले सकता है या नहीं इशू आया कि डिफेंडेंट ने जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लेन कॉपीराइट कॉपीराइटेड प्रोडक्शन अपने चैनल पे टेलीकास्ट किए वेदर दे वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द एक्सेप्शन ग्रांटेड इन सेक्शन 52 तो कोर्ट ने इस केस में प्रिंसिपल लेट डाउन किया फेयर डीलिंग का राइट कोर्ट ने बोला कि फेयर डीलिंग को आप एग्जॉस्टिव लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते इट इज़ एन इंक्लूसिव लिस्ट हर केस में हमें देखना होता है कि क्या वो फेयर डीलिंग है या नहीं और क्या फेयर डीलिंग है वो हम केस के फैक्ट्स देख के ही देख बता सकते हैं मोर ओवर अगर वो फेयर डीलिंग पब्लिक इंटरेस्ट में है देन दैट इज फॉर द गुड परपज और इसमें वो डील किया जा सकता है राइट सो मोटिव ऑफ दिस फेयर डीलिंग जो मोटिव है डिफेंडेंट्स का फेयर डीलिंग का वो इन्वॉल्व करना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एज वेल एज एन इम्पोर्टेंट रोल या कोई क्रूशियल पार्ट जो वो अपने चैनल पे रिप्रोड्यूस कर रहा है विच शुड बी क्रूशियल टू हिम जिसकी अगर उसने ये फेयर डीलिंग से या फेयर यूज़ करके दूसरे का कॉपी नहीं यूज़ किया तो इट विल डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट इन दैट केस ओनली फेयर डीलिंग कुड बी ग्रांटेड राइट सो और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ को भी हम फेयर डीलिंग में ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ ये होता है कि सपोज़ मुझे एक आर्टिकल लिखना था और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी किसी चैनल की और मैंने उसको अपने वर्ड्स में पोर्ट्रे कर दिया कि मैंने आई हैव सीन दिस 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 राइट तो अब वो चैनल अगर मुझ पर कॉपी राइट क्लेम करेगा तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ डिफरेंट है दैट इज़ अ विजुअल वीडियो एंड वॉट आई हैव रिटन इज़ अ रिटन पेपर हाँ ऑफकोर्स मैं बच जाऊँगी बट अगर मेरी स्टोरी उससे रिलेटेड भी है तो भी आई एम डूइंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव यूज राइट आई एम डूइंग आई एम ट्रांसफॉर्मिंग द Script into a written portion. So it will also be protected under fair dealing. So, based on these uh, guidelines, the court rejected the telecast of defendant, it rejected its submission, and hence the case of plaintiff was upheld. Right? So, this was it for uh, today's class. In our next class, we will be dealing with the protections granted under a copyright. Right? So, till then, good luck. And all the best for your exams. Thank you.